हम इस वक्त बहराइच वन विभाग कार्यालय पर मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे ये वो पिंजड़ा है जिसमें आज सुबह 6 बजे आदमखोर भेड़ियों को पकड़ के लाया गया है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, अब बहराइच वासियों को राहत की सांसें मिलना शुरू हो गई हैं। वन विभाग ने बैक टू बैक 5 भेड़ियों को अब तक पकड़ लिया है, जिसमें से जो भेड़िया ये पकड़ा गया है, ऐसी सूचनाएँ प्राप्त हो रही हैं कि इसको भी गोरखपुर जू भेजा जाएगा। और कड़ी मेहनत के बाद इसमें कई DFO लगे थे, इसमें शूटर भी बुलाए गए थे। हालांकि आज सुबह एक बकरी को निशाना ये बना रहा था, उस वक्त इसको पकड़ा गया। और मैं एक बार कैमरामैन साथी से कहूंगा, दिखा दें, ये वही पिंजड़ा है जिसमें आदमखोर भेड़िया कैद है। पूरी तरीके से इसको बांध के रखा गया है, कहीं ऐसा ना हो कहीं से कुछ गलतियाँ हो जाएँ, कुछ मिस्टेक हो जाएँ। इसमें 4 रस्सियाँ लगी हुई हैं और 4 रस्सियों से ये जो भारी भरकम वाहन है इसमें बांध के रखा गया है। आज सुबह ही इसको रेस्क्यू किया गया है बड़ी मशक्क़त के बाद। मुख्य संरक्षक रेणु सिंह यहाँ पर खुद करीब 15 दिनों से यहाँ पर रुकी हुई हैं, अपना घर परिवार छोड़कर लगातार इस रेस्क्यू को वो सफल बनाने के लिए, जिसका नतीजा आज ये भेड़िया पकड़ा गया है। जो एरिया था पूरा जहाँ पर कि एक्शन हो रहा था, जहाँ पे अटैक्स हो रहे थे और जहाँ पे मारे जा रहे थे, उसको हम लोगों ने 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया था, 1, 2, 3 और एक रिजर्व सेक्टर। उसको हेड कर रहे थे 2 सेक्टर्स को DFOs और बाकी 2 सेक्टर्स को हेड कर रहे थे हमारे ACFs। गश्ती की टीम लगी थी, दिन की गश्ती, रात की गश्ती की टीम लगी थी, पब्लिक अवेयरनेस की टीम लगाई गई थी जो डोर टू डोर जाकर के पब्लिक अवेयरनेस करती थी, हैंडबिल्स बांटती थी, लोगों को बताती थी, समझाती थी कि आप लोग घरों के अंदर रहिए, कमरों के अंदर रहिए, बच्चों को अंदर रखिए, बाहर आप न सोएं और गश्त करते रहिए, ग्रुप्स में जाइए, जागते रहो कि आप नारे लगाइए, पटाखे चलाइए, रोशनी रखिए, इस तरह की चीज़ें पूरी लोगों को बताई जा रही थी। कल हम लोग को ये सूचना मिली थी कि नथवापुर में यह जो भेड़िया है इसने एक बकरी को उठाया था, इसके फिर पगमार्क्स पे मिले, तो हमारी जो टीम थी, जो हमारे DFO है अजीत और उनकी टीम ने इसको ट्रैक किया। रात में हम लोगों ने इसको थर्मल ड्रोन से भी एक जगह ट्रैक कर लिया था, लेकिन थर्मल ड्रोन बहुत ज़्यादा नहीं चलाया, इसलिए नहीं चलाया क्योंकि ये इतने स्मार्ट हो गए हैं कि जब थर्मल ड्रोन चढ़ने लगते थे तो ये वहाँ से अपने आप को शिफ्ट कर देते थे, मूवमेंट उनका हो जाता था। तो कल हम लोगों ने थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज की और रात में हम लोगों ने लोकेट करके इसको रख लिया, अर्ली मॉर्निंग ऑपरेशन किया और इसको रेस्क्यू कर लिया। मैम, लगातार आप लोगों ने कड़ी मेहनत के बाद बैक टू बैक 5 भेड़ियों को पकड़ा है, अभी एक बचा हुआ है, उसके लिए क्या उम्मीद की जाए? जो अभी बचा हुआ है उसके लिए भी स्ट्रैटेजी लगाई जाएगी, पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसको भी रेस्क्यू करें। तो हमारे साथ खास बातचीत के लिए रेणु सिंह मौजूद थी और उन्होंने जैसा बताया कि एक भेड़िया जो बचा है हम लोग जल्दी उसको रेस्क्यू कर लेंगे। लोकल 18 के लिए बहराइच से बिन्नू वाल्मीकि की रिपोर्ट।